एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? मारना चाहते हो क्या? नहीं फिर क्या? लिखित में दिखाओ, लिखित में दिखाओ। हमने एक ही पीएसओ साइन किया था, हमने एक ही पीएसओ साइन किया था। आप बहस कर रहे हो ना, आप पीछा कर रहे हो। एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? क्योंकि आप लोग करते हो, क्योंकि आप लोग खिलाड़ियों का एनकाउंटर करोगे। जैसे कल तारतार इज्जत रोड पे कर दी थी सबके साथ, पूरे देश के सामने, आज एनकाउंटर भी कर दोगे? भरोसा नहीं है हमें दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल। क्या पता क्या भरोसा, लिखित में दो। भरोसा आपने तोड़ दिया ना, कल तार तार कर दिया पूरे देश के सामने। डेफिनेटली हमारे पूछने का अधिकार है, हमारी सिक्योरिटी का हम भी देख रहे हैं। आप लोगों का भरोसा थोड़ी, एनकाउंटर कर दोगे? एक मिनट लगेगा, पिस्टल ले रहे हो सारे लोग, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं। फिलहाल भाई एक बार और आप लाइव जुड़ चुके हो हरियाणा खबर के साथ, मैं हूं आपके साथ मिस्टर राहुल अत्री। फिलहाल जंतर मंतर में मौजूद है। कल जो है खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा, देर रात तक छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आपके साथ विनेश फोगाट जो है अपने घर जाते वक्त लाइव आई थी अभी एक घंटा पहले, उनको दोबारा फिर है पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है, और एक गाड़ी दो गाड़ी नहीं तीन गाड़ी उनके आगे पीछे जो लगाई जा रही है। हालांकि लाइव में विनेश फोगाट बोल रही है कि उनके पास सिर्फ एक पीएसओ साइन के साथ मौजूद रहना चाहिए, पुलिस ने सिर्फ एक पीएसओ दिया है, लेकिन उनके साथ आगे और पीछे दो से तीन गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई हैं, ना उनको जाने दे रही हैं, ना उनको इधर आने दे रही हैं। इस लाइव में विनेश फोगाट जो है यह पुलिस जो उनके साथ बहस करती दिखाई दे रही है, कुछ एग्रेशंस में भी हैं बहुत ज्यादा। तो आप विनेश फोगाट की लाइव देखिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद जंतर मंतर से लाइव। एक पीएसओ की ड्यूटी लगाई हुई थी, लिखित में दिया हुआ था, दो पीएसओ पीछे हैं, दो इधर हैं, चार पांच लोग उधर हैं, ना जवाब दे रहे ना लिखित में दे रहे, इतने लोग क्यों पीछा कर रहे हैं? और मना करने के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। अभी हम रोड पे गाड़ी लगा रहे हैं करनाल बाईपास पे, पलवल मानेसर के आगे हम गाड़ी लगा रहे हैं अभी। अब जो भी होगा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा इन सब का। देखो ये निकल के आए अभी तीन चार और, इतने सिक्योरिटी में कहां से लग रहे हैं हमारे। मैडम दो पीएसओ की ड्यूटी है, एक ड्राइवर होना चाहिए सिक्योरिटी में। मेरी बात आप हमारी सुनिए। हाँ बताओ, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दो पीएसओ, एक पीएसओ, एक हमारी गाड़ी में जगह निकली थी तब हमारे पास पुलिस होती। पीएसओ एक एक दे रखा था ना, एक एक दे रखा था ना, फिर अभी इतने लोग कैसे हैं? अगर आप ये चाहते हो कि पीएसओ ये जो गाड़ियां आपको पीछा ना करें, हाँ अपने साथ बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जगह ही नहीं है मैडम, इतने लोग एक एक ही गाड़ी में दो पीएसओ बैठ सकते, एक ड्राइवर बैठ सकता है। हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, हमारी गाड़ी में हमारा सामान है, हमारी जगह नहीं है। गाड़ी एक ले, एक गाड़ी में एक ड्राइवर दो पीएसओ हो सकते हैं, दो गाड़ियों में दस लोग क्यों चल रहे हैं? एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? मारना चाहते हो क्या? नहीं फिर क्या? आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। नहीं एक सेकंड सुनो, हाँ बताओ, आपकी ड्यूटी हमारे साथ है, आपकी ड्यूटी हमारे साथ है। लिखित में दिखाओ, लिखित में दिखाओ। हमने एक ही पीएसओ साइन किया था, 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 इतने पीएसओ हमने साइन नहीं किए थे। उसकी जिम्मेवारी आप लोग उठा के ले गए। उसका पीएसओ कहाँ है? उसका पीएसओ कहाँ है? हम क्यों पूछे सीनियर से? अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा? हमने गाड़ी लगा दी रोड पे, हमें जवाब दो लिखित में। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आप कर रहे हो ना, दो पीएसओ के है ना, दो पीएसओ है ना, बजरंग कहाँ ये बताओ मैडम। बात पीछे करने की नहीं है, फिर क्या है? आपको पीएसओ दिया गया, अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने साथ बिठा लो। हमारे पास जगह नहीं है, दिखाऊं क्या गाड़ी में? गाड़ी में दिखाऊं क्या मैडम? मुझे नहीं देखना, आप बता रहे हो तो आप सच बोल रहे हो। हाँ तो गाड़ी में पीएसओ की दो की ड्यूटी है ना, एक संगीता के साथ में, एक मेरे साथ में है ना, है ना, सुन तो लो। रात को कहाँ थे? पूरी रात को अमलावारी थे, पूरी रात को कहाँ थे? जब पुलिस स्टेशन से छोड़ा था 7:30 बजे, किसने दिया डायरेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया, लिखित में दिया आपने, लिखित में दिया। आप बहस कर रहे हो ना, आप पीछा कर रहे हो। एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? क्योंकि आप लोग करते हो, क्योंकि आप लोग करते हो। ब्रजभूषण का तो कुछ होता नहीं है, कर नहीं सकते। खिलाड़ियों का एनकाउंटर करोगे? जैसे कल तारतार इज्जत रोड पे कर दी थी सबके साथ, पूरे देश के सामने, आज एनकाउंटर भी कर दोगे? भरोसा नहीं है हमें दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भी। मैंने भी बता दिया ना, लिखित में दिखाओ, लिखित में दिखाओ। आपकी ड्यूटी है हमारे साथ में, हमारे साथ में, हमारे साथ में आपकी ड्यूटी है तो लिखित में दो। हमारे साथ में आपकी ड्यूटी है, हमें लिखित में दे दो। हमने भी, हम तो बता रहे हैं ना, लिखित में ड्यूटी है तो दो। हमें भी तो पता होना चाहिए किसकी लिखित में ड्यूटी है। हमें क्या पता आप फेक हो, बुजुर्ग भूषण ने भेज रखा हो, क्या पता क्या भरोसा। लिखित में दो,
भरोसा आपने तोड़ दिया ना, कल तार तार कर दिया पूरे देश के सामने। हमने दिन रोड बैठना पड़ गया और एक दिन में खैर होगी ना तो कोई जवाब है ना लिखित में दे रहे। अब ये कहां से आदमी आए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता दिल्ली पुलिस से है ये। नहीं लिखित में दिखाओ ना, लिखित में दिखाओ, लिखित में दिखा दो। अगर ड्यूटी है तो लिखित में दिखाओ। हमने एक एक पीएसओ साइन कर रखा है, एक एक पीएसओ को भेजो एक ड्राइवर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा लोग जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पूछने का अधिकार है, हमारी सिक्योरिटी का हम भी देख रहे हैं। आप लोगों का भरोसा थोड़ी एनकाउंटर कर दोगे, एक मिनट लगेगी, पिस्टल ले रहे हो सारे लोग। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, नहीं हत्या है। या तो लिखित में जवाब दो कि किसकी ड्यूटी है, कौन नाम है आज। देखने लग रहा देश सारा। भाई साहब वापिस ले जाओ, हम खड़े हैं, जाम हो गया रोड। हम खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, दिल्ली पुलिस पीछा करी है जबरदस्ती, ना लिखित में दे रहे हैं कुछ भी, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम अपने घर जा रहे हैं, घर नहीं जाने दे रहे, हमें नहीं भरोसा ये मार भी देंगे रास्ते में। ना लिखित में कुछ दे रहे हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। भैया आपके साथ में कुछ नहीं है, आपको मुझे पता है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका ऑफिस है सोमवीर, ऑफिस है इनका, जान दे। मैंने बता दिया ना दिल्ली पुलिस लिखित में माइक के पीएसओ दे रखा है। अब इतने लोग हमारा पीछा कर रहे, पूरी दिल्ली को छोड़ के आए हम अपने घर जा रहे हैं, और फिर भी मतलब ना लिखित में दे रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। पूरी रात से बजरंग गायब है, ना बजरंग का था पता दे रहे हैं, और अभी हमारा पीछा कर रहे हैं। अब इनका क्या भरोसा, इनका तो एनकाउंटर करना कोई आजकल का कमाल हो रहा है, आसान काम है तभी कर देते हैं। इतने लोग खड़े हैं, दो मिनट लगेगा इनको तो, पिस्टल से लिए लेस है सारे। अगर सिक्योरिटी का है तो लिखित में दो, दो पीएसओ थे, इतने लोग कैसे जा रहे हैं, क्या पता क्या साजिश रच रहे होंगे। हम गाड़ी लगा रहे हैं जी, हमारी सिक्योरिटी के लिए, पूरा देश के सामने तो मरेंगे कम से कम। एक पीएसओ मेरे को दे रखा था, एक संगीता को, 10 पुलिस वाले गैल लगे हुए हैं जी। देखो जी कितने लोग हैं, सिर्फ दो पीएसओ की ड्यूटी हमसे साइन करवाई थी, एक मेरे साथ एक संगीता के साथ में, 10 लोग हैं। देखो कैसे जल्दी, देखो देखो देखो, जैसे मारने के लिए हमारे पीछे लगे हुए हैं, वो गाड़ी में बैठे, इन्होंने गाड़ी वो कर दी अपनी।
जो भी है लिखित में दे दो, जो पीएसओ की ड्यूटी है वो लिखित में दे दो, जिसकी ड्यूटी है वो साथ में चलो, बाकी लोग दिल्ली जाओ जी वापिस। सबकी ड्यूटी है तो लिखित में दिखा दो हमें, कोई दिक्कत नहीं, साथ में चलना। हाँ